हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगम मंच। वी आर प्रेजेंट हियर विद अनदर न्यू सेशन, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस, अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी बुद्धि का, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसे करने वाले हैं। आज जो रहेगा ये रहेगा पार्ट टू। इससे पहले हम यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत इसका पार्ट वन कर चुके हैं, जिसमें हम एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी हमने, ठीक है। तो वहां पे एक शॉर्ट में हमने बताया था कि एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी कौन कौन से हैं, उन आठों के हमने नाम बताए थे। आज हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के प्रत्येक पार्ट को हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि कौन सी बुद्धि किस व्यक्ति में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत है हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी दी है बुद्धि से संबंधित, वो दी है गार्डनर ने, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर। क्लियर। इसके साथ इनकी एक बुक और आई जिसे फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये बात हम लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा से यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड जो कि 1983 यानी कि 1983 में इनकी बुक आई थी। क्लियर। तो वहां पे सिंगल आइडेंटिटी को नकारते हुए ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट यानी कि डिफर आइडेंटिटी और डिफर इंटेलिजेंस होती है। हार्वर्ड गार्डनर अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि बुद्धि के आठ प्रकार के इन्होंने बात किए हैं। तो सबसे पहले आइए इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के सारे सेशन आपने नहीं देखे हैं जो कि सीटेट एक्सक्लूसिव यानी सीटेट 2020 जो कि 31 जनवरी 2021 को होना है, उससे संबंधित हम बहुत सारे सेशन कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, यानी कि 41+ CDP स्पेशल के क्लासेस हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, लॉकडाउन से पहले। लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही डेट डिक्लेयर हुई थी हम दोबारा से करा रहे हैं। इसके साथ साथ आज एक सीरीज और आने वाली है जिसमें हम पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे, जिसके लास्ट तक कराएंगे यानी 31 जनवरी तक। ऑलमोस्ट उसमें हम 500 to 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं पेडागोजी से संबंधित। तो आई होप वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, पेडागोजी और CDP से संबंधित हर आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत बाय हार्वर्ड गार्डनर। सबसे पहले ये बात करते हैं यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। बेसिकली वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भाषिक बुद्धि जिन व्यक्तियों में, जिस इंसान में, ठीक है, यानी कि भाषा संबंधी बुद्धि होती है, यानी कि भाषा की बहुत अच्छी पकड़ होती है, हम इस तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें, ठीक है, बहुत अच्छा भाषा का ज्ञान होता है, ठीक है, वो जो व्यक्ति होते हैं उनकी इंटेलिजेंस या फिर उनकी बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा है। यानी कि ये बोलने में अच्छे होते हैं, भाषा संबंधी इसको बहुत ही नॉलेज होती है, यानी कि 2 से 4 लैंग्वेज भी जान सकते हैं, या फिर जब भी हम बात करें हमारे साहित्यकार हो गए, ठीक, साहित्यकार के साथ साथ यदि हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है किन किन में पाई जाती है, जैसे पोइट हो गए, पोइट मतलब हमारे कवि हो गए जो लिटरेचर लिखते हैं, ठीक। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो हमारे राइटर हो गए मतलब लेखक, ठीक है। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश और हिंदी में कोई भी डाउट ना रखें, क्योंकि मैं प्रत्येक बात को हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में बेसक लिख रहा हूं लेकिन यहां हिंदी में भी लिख रहा हूं। तो हमारे पोइट हो गए, राइटर हो गए, ठीक। इसके साथ साथ और वक्ता की यदि हम बात करें तो ट्रांसलेटर मतलब जो भाषा, कई भाषा के ज्ञाता होते हैं, एक भाषा को किसी भी मंच पर किसी भी वक्ता के सामने, मतलब
भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो हमारे नेता हो गए, कई सारे नेता जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, ठीक है, उनकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वहां पर काम करती है। हमारे पोइट हो गए, राइटर हो गए, ट्रांसलेटर हो गए, नेता हो गए, या फिर हम बात करें फ्रेंड्स ओरेटर हो गए, ठीक है, इन सब में, ठीक है, जिनकी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ होती है, भाषा संबंधी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषा संबंधी बुद्धि। यदि हम पोइट की बात करें, ठीक है, तो जैसा कि आप मतलब जानते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास का आपने नाम सुना होगा, उन पर भाषा की बहुत अच्छी पकड़ है, कुल मिला के वो एक पोइट है, ठीक, वो हिंदी की कविता बहुत अच्छी करते हैं, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि उनमें वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाए जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ हो गए, और भी कई तरह के व्यक्ति हो गए जिनमें भाषा की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक, तो ये हो गए यानी पहला। आई होप यहां से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, दूसरे की हमने बात की, हम पहले भी बता चुके हैं, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल, जैसा कि आप नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें, दूसरी वाली हो गई म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति की म्यूजिक संबंधी ज्यादा रुचि होती है, ज्यादा रुझान होता है, वहां पे उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस काम करती है। इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे गीतकार हो गए, ठीक है, हमारे गायक हो गए, गायक मतलब सिंगर हो गए, जैसे अरिजीत हो गए, ठीक है, कैलाश खेर हो गए, सोनू निगम वगैरह, ठीक, इसके साथ साथ अरमान मलिक, ये सभी सिंगर हैं। तो कुल मिलाकर जो गीत लिखते हैं म्यूजिक संबंधी, या फिर हम बात करें संगीतकार, संगीतकार में एआर रहमान, ठीक, अनु मलिक आदि सभी, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वहां पे काम कर रही होती है। गीतकार हो गए, सिंगर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, ठीक है, ये सभी जो हो गए हमारे यहाँ पे, यानी कि इनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस काम करती है, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं यानी कि तीसरा, थर्ड वन, यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो सिंगर है हमारे, कोई एक सिंगर है, मोहम्मद रफी का नाम ले लें, मोहम्मद रफी में कौन सी इंटेलिजेंस थी? मोहम्मद रफी बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छा गाते थे, तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो उनकी इंटेलिजेंस है, कौन सी वाली इंटेलिजेंस काम करती थी? तो बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जिस भी व्यक्ति में म्यूजिक संबंधी रुचि होती है, म्यूजिक की अच्छी नॉलेज होती है, वहां पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस काम करती है। थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड तीसरा है यानी कि लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि जिन व्यक्तियों की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वहां पे जो काम करती है वो इंटेलिजेंस काम करती है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि गणित से संबंधित बहुत ज्यादा रुचि होती है, गणित में उनका रुझान होता है, कैलकुलेशन संबंधी उनका जो माइंड है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता है, ठीक है, किसी भी चीज में वो बहुत अच्छे से लॉजिक कर पाते हैं, तर्क का यूज कर पाते हैं, तो वहां पे उस व्यक्ति के लॉजिकल इंटेलिजेंस काम करती है। लॉजिकल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स कौन से हो गए? हमारे गणितज्ञ हो गए यानी मैथमेटिशियंस। गणितज्ञ की बात करें, ठीक है, जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो हो गए, ठीक। इसके साथ साथ हमारे वैज्ञानिक हो गए, साइंटिस्ट, इनके लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है। तो गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, और बहुत सारे कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधी जिनमें इंटेलिजेंस होती है वो सब हो गए मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो हम तीन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम फोर्थ यानी कि चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा है हमारा फ्रेंड्स यानी कि स्पेशल,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस का जो संबंध है वो फ्रेंड्स स्थान से है, ठीक है, यानी कि किसी जगह से है, किसी प्लेस से है, ठीक है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस उन में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्थान से संबंधित, ठीक है, ज्यादा रुचि रखते हैं और उनके वहां पर बुद्धि काम करती है। जैसा हम यहां पे बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंजीनियर हो गए, कौन हो गए फ्रेंड्स, इंजीनियर हो गए, ठीक है, या फिर हम बात करें आर्किटेक्ट हो गए, क्योंकि किसी भी जगह को देखकर, किसी स्थान को देखकर वहां पे कोई भी एक मकान, कोई भी बिल्डिंग डिजाइन कर पाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट के जो स्पेशल यानी कि जगह या स्थान से संबंधित जो नॉलेज है वो बहुत होती है। और एक और इम्पोर्टेंट है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो मूर्तिकार हो गए, कौन फ्रेंड्स, मूर्तिकार, जैसे कि कोई मूर्तिकार है, एक पत्थर दे दिया, पत्थर को देखकर उसमें किसी भी एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने फोर्थ की बात की, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, तो इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, मूर्तिकार हो गए, ठीक है, इन सब में स्थानिक और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिस व्यक्ति में आप पाए या क्वेश्चन में आपको दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कि उन व्यक्ति में या फिर उस व्यक्ति में स्थान से संबंधित ज्यादा रुचि है, ठीक है, या इसमें एक इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकता है जो घर के अंदर के डिजाइन करता है, ठीक है, तो वो स्पेशल संबंधित यानी कि स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं, ठीक। तो यहां से बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ, आई होप यहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो रहे होंगे सारी चीजें, ठीक है। यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं तो बड़ी इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें, सिर्फ क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसलिए हमने इस सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हम अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। हार्वर्ड गार्डनर की एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, कौन से व्यक्ति किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से बुद्धि उनमें पाए जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा लास्ट सेशन नहीं देखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो उसे भी जाकर देखें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, फिफ्थ जो इंटेलिजेंस है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बिल्कुल आप नाम पर जाइए, नाम बिल्कुल सीधी सीधी कहानी कह रहा है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक की यदि हम बात करें तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि बॉडीली मतलब शारीरिक, काइनेस्थेटिक यानी गत्यात्मक, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, शारीरिक गत्यात्मक, जिस व्यक्ति में या जिन व्यक्तियों में शारीरिक और गत्यात्मक एक्टिविटी पाई जाती है वहां पे उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस काम करती है। यहां पे यदि हम बात करें सबसे पहले तो एथलीट हो गए हमारे, ठीक है, एथलीट हो गए सारे के सारे, स्पोर्ट्समैन हो गए, खिलाड़ी हो गए। यदि हम बात करें तो प्लेयर हो गए, चाहे वो कोई सा भी प्लेयर प्ले खेलते हो, ठीक है, हमारे पहलवान हो गए जो रेसलर होते हैं, या रेसर हो गए, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस काम करती है यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये बहुत अच्छी तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, बहुत एनर्जी गेन करते हैं, स्पोर्ट्समैन हो गए, ठीक है, यानी कि वो उनका जो काम होता है वो फिजिकल होता है, गत्यात्मक होता है, बहुत सारे प्लेयर हो गए, पहलवान सभी हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब पांच डिस्कस कर चुके हैं, पांच के बाद एक दो और हैं, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि तीन और बचते हैं फ्रेंड्स।
वैसे हार्वर्ड गार्डनर की एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बड़ी सिंपल है, यदि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और क्वेश्चंस के जो हम सीरीज कर रहे हैं वो क्लियर होगी। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस की एक सीरीज करने जा रहे हैं, पेडागॉजी स्पेशल सीरीज, जिसमें हम पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो उस सीरीज को भी आप देखें आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में, या फिर पेडागॉजी के प्रत्येक डाउट को क्लियर करने में वो आपकी हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद सिक्स, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, सिक्स के बाद सेवन। सिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि ये होते इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पे कोई एक ये क्या है भाई, व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, मैन है, ठीक है। जब भी व्यक्ति अपने आप में समझने की कोशिश करता है खुद को, ठीक है, जिसे हम अंतर्व्यक्तिक कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक, खुद की विशेषताओं को, खुद के गुणों को, ठीक, या सेल्फ को समझने की कोशिश करता है, तो वहां पर उसकी इंटेलिजेंस काम करती है, यानी कि उसे हम इंटरपर्सनल सिक्स टाइप की यदि हम बात करें तो एक चीज यहां पे मिस हो गई फ्रेंड्स। यदि लास्ट सेशन में भी इस तरह का हुआ हो तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लें। देखिए, दोबारा से हम बात करेंगे यहां पे। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है फ्रेंड्स, यानी कि इंटरपर्सनल ये होती है अंतर्व्यक्तिक। दोबारा से देखिए इसे, यदि लास्ट सेशन में भी इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं इस सेशन में इसे बिल्कुल क्लियर करूंगा। यानी कि अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। मान लीजिए कोई ये दो व्यक्ति हैं, दो इंसान हैं, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के व्यवहार को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी कि ऐसी इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कही जाती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को कम्युनिकेट कर पाता है, बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, या एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ यानी कि संबंध बनाता है, संबंध मतलब रिश्ते कायम कर पाता है। यदि हम बात करें, बहुत सारे नेता हो गए, वक्ता हो गए, ठीक है, या फिर और हम बात करें तो ये यूं ही एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें टीचर हो गए, क्योंकि टीचर के सामने तो हर समय बहुत सारे बच्चे होते हैं, डिफरेंस, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी रखने वाले, उनके साथ घुलना मिलना होता है। तो जब दो की बात हो, वहां पे इंटरपर्सनल होती है भाई, यानी कि अंतर्व्यक्तिक। जब दो की बात हो, एक से ज्यादा, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ घुल मिल जाए, कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे के व्यवहार को जान पाए, तो वहां पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काम करती है। यहाँ पे हमारे नेता हो गए, वक्ता हो गए, टीचर हो गए, ठीक है। टीचर के साथ साथ यदि हम बात करें तो हमारे, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक हो गए, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का काम ही दूसरे के व्यवहार को समझ के उनका उपचार करना होता है। तो ये सब हो गए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो काउंसलर हो गए, ठीक है। तो ये सब, इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटरपर्सनल होती है, अंतर्व्यक्तिक, यानी कि ये एक व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार को समझकर, ठीक है, उसका उपचार कर पाते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं और उसकी स्टडी वो कर पाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर सेवन में, बेसिक यानी इंट्रापर्सनल की यदि हम बात करें तो वो हो गया व्यक्तिक। बिल्कुल यहां पे क्लियर हो जाएगा, यहां पे व्यक्तिक इंटेलिजेंस क्या होती है। बेसिकली व्यक्तिक इंटेलिजेंस होती है जब कोई एक व्यक्ति खुद को ही समझने की कोशिश करता है, अपने व्यवहार को पढ़ पाता है, या खुद को ही समझने में लगा रहता है।
ठीक है, या फिर हम बात करें आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, या जिसकी रुचि अध्यात्म की ओर ठीक है ज्यादा होती है, वहां पे इंट्रापर्सनल होता है, यानी कि व्यक्तिगत इंटेलिजेंस काम करती है। यदि इसमें हम बात करें तो हमारे ऋषि हो गए, ठीक है, पुराने समय में आप पढ़े हो गए, ऋषि हो गए, हमारे मुनि हो गए, ऋषि मुनि के साथ साथ साधु हो गए जो तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो हो गए इनकी जो इंटेलिजेंस है वो इंट्रापर्सनल होती है। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में यदि मैंने इंटरपर्सनल को व्यक्ति कह दिया हो या इंट्रापर्सनल को अंतर्व्यक्ति कह दिया हो, तो यहां से बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाता है। जो इंटरपर्सनल होते हैं वो अंतर्व्यक्तिक, यानी कि दो व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार को आपस में समझ पाते हैं, ठीक है, वहां पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काम करती है। लेकिन इंट्रापर्सनल वो होती है जो व्यक्तिक होती है, खुद की ही समझ, खुद को खोजने में लगे रहते हैं, ठीक है, खुद का आत्मचिंतन करते हैं, ऋषि मुनि हो गए, साधु हो गए और कई सारे संत तपस्वी आदि हो गए, ठीक है। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, यानी कि इंट्रापर्सनल का, हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध का। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि। यदि हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो ये इनकी जो इंटेलिजेंस थी ये इंट्रापर्सनल थी, यानी कि इन्होंने खुद को समझा, आत्मचिंतन किया, अध्यात्म की ओर खुद मिला के इन्होंने, मतलब आध्यात्म की ओर गए और इन्होंने बुद्धि का विकास, मतलब ये खुद को समझ पाए, एक तपस्वी बन पाए, क्लियर, ठीक है। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुल मिला के खुद के ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। तो ये रही एक बात। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट डिस्कस करेंगे, लास्ट बचा है नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृति से संबंधित। आई होप यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। यदि ये सेशन थोड़ी भी हेल्प करता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि नए हैं हमारे इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये लास्ट रहेगा इस सेशन का, यदि अभी तक आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में दोनों चीजें हैं, दोनों पार्ट हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखेंगे तब ये पार्ट आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को बिल्कुल डीपली डिस्क्राइब कर रहे हैं। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने वहाँ पे भी डिस्क्राइब की हैं एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में। इसका लास्ट टाइप बचता है, ठीक है, हम सेवन कर चुके हैं, लास्ट है लास्ट हो गया नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्राकृतिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे थे या इंटेलिजेंस थ्योरी की हमने बात की लास्ट कई सेशंस में, तो हमने पाया कि बुद्धि का सीधा सीधा संज्ञान से संबंध तो होता ही होता है, क्लियर, यानी कि आनुवांशिकता से संबंध होता है, माइंड से संबंध होता है, नॉलेज से संबंध होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जब भी थ्योरीज आई उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया। तो यहाँ पे एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। तो प्राकृतिक बुद्धि कौन सी होती है, यानी कि ये जो होते हैं इस तरह की बुद्धि रखने वाले, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के साथ प्रेम करते हैं, अपने वातावरण की रखवाल करते हैं, देख रेख करते हैं। यदि वातावरण का हनन हो रहा होता है तो इनसे सहन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो पर्यावरणविद हो गए, ठीक है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रति इनकी रुचि होती है, ठीक है, ये पशु पक्षी और जानवरों के प्रति दयावान होते हैं, ठीक है, उनको किसी तरह की हानि कोई पहुंचाए तो उनकी ये हेल्प करते हैं, ये रही एक बात। और हम बात करें तो ये नेचर यानी कि प्रकृति की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, जानकारी रखते हैं, ठीक है, या फिर पर्यावरण से संबंधित जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, नेचर के प्रति इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा रुचि लेते हैं,
कुल मिला के उसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि वाला। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, वातावरण प्रेमी होते हैं, पशु पक्षियों के प्रति दयावान होते हैं। इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो जानकारी है, वो प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और हम बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जीव विज्ञानी जो होते हैं, उनको भी हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में काउंट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे। हमने यहाँ पे डिस्कस की एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बाय हार्वर्ड गार्डनर, जो इनकी थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। आई होप यहाँ से बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। जब भी हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। यदि थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करें। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।